मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है, आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। और एक चीज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला, जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरण चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इसी सब पर चर्चा होती रहे, न घोटालों पर चर्चा हो और न महंगाई और बेरोजगारी पर। आप ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अलायंस यूपीए का बन गया, इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं, और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जलते हुए मणिपुर पर बोल रहे हैं। मोदी जी किन बातों की चर्चा करते हैं? धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।